जय हिंद दोस्तों, ये जस्सी डेयरी खन्ना है जहाँ हम आपको लेके आए हैं। गाय गुजरात के लिए भेज रहे हैं, ये तो दिखाते हैं हम आपको इनका हिसाब किताब। बहुत बढ़िया गाय दिखा रहे हो। हाँ, कितना दूध देने वाली है? ए जी 25-30 के बीच बीच में दूध देगी। 25-30 के बीच में? 25-30 के बीच में। तो इसके ऑर्डर बड़ा वो हुआ है? नहीं, ऑर्डर है जो ऐसे ही थोड़ा सुनने के बाद हो गया। भट्ट लग होल्डर जी, आओ आगे आओ। हां जी, हम आ रहे हैं होल्डर जी। इसका पर गुड़ देता जी, पर जी आई हुई है रे। हर जो आज एक दिन से हट जूगी। तो कैसे ठीक होगी ये? ये देता जी सामान, और धनिया देता जी, पेठा देता जी, काले मिर्चा देती है। कैसे जी अब वो खा जाते जी अपने आप ऐसे सीधा ही? हाँ, एक खा जाते हैं तो उससे ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक। तो कितना समय लेगी ये? ये सुई है जी, कल सुई है। अच्छा, कल भी आई है? कल बच्चा देता जी ने। क्या दिया? बछड़ी है जी। बहुत उम्र की लग रही है ना, है डुगी अजी मुंह फल। तो पहली ब्याह की है? पहले तो कितना दूध बताया देगी जरा? 25-30 किलो तक दे दूंगी जी। 25-30? हाँ जी, एकदम 25-30 किलो देगी। हाँ, हाँ, पहली ब्यांत की? पहले ब्यांत। तो हल्दी क्या दाम है इसका? जी 65,000 दिया जी, खर्चा सारा। हाँ जी, 30 किलो। हाँ जी, बेची है जी। कम होगा अभी? हाँ जी, कुछ कम होगा जी। इतने की है ना? 65,000 की ले जाइए। पूरे खर्चा पाके 2,000 खर्चा भी पै जाता जी ऊपर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जैसे सारा को पाके। अच्छा जी, हाँ 63,000 2,000 साडा पाके पिछो 63,000 दी पैगी जी। है 63 की? हाँ जी, ना 65 दी 63 लेके। हाँ जी, तो 70 की पड़ जाएगी वहाँ जाते। हाँ जी, 70 दी। कितना किराया लगा वहाँ का? 40,000 भाड़ा जी उ। 40,000? हाँ जी। कितने पशु जा रहे हैं? ये जान के जी 10। 10 पशु जा रहे हैं? तो रोक टोक तो नहीं है कोई? ना जी, नहीं कोई नहीं रोक टोक जाए जाते। हाँ जी, बना के परमिट बना के दे देते। कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है? उरों जी लेनी पड़ेगी, उठे परमिट बना रहे हैं डॉक्टर। यहाँ से कौन से विभाग से जाना पड़ता है? डॉक्टर है, डॉक्टर जी SMO है, डॉक्टर बड़ा डॉक्टर ना जो। अच्छा, वो परमिट बना के देता है। बना के जाए एनिमल हस्बेंड्री से है, पशु अस्पताल। हाँ जी, हाँ जी। चलो हवलदार जी, ये जो आज दिखा रहे हो जी, सबसे अच्छी है। हाँ जी, है ना? वो कीमत भी बढ़िया जी। कितनी कीमत है? 62,000 दी ले जाए। कितनी? 62,000 के लिए। दूध कितना देगी? दूध तो होने थले 22 किलो है जी, 11 किलो के टाइम का कट दिया। कब की भी? परसों बच्चा देता है। 3 दिन हुआ बच्चा दिए हुए। हाँ। अभी 11-12 लीटर दूध अभी है इसके टाइम दादा दिया जी। अच्छा, मतलब 24-25 लीटर दूध। हाँ, दे रही है अभी। अभी तो कितना जाएगा आखिर तक? हाँ जी, 30-32 किलो दे रुके जी। 30-32 दे दोगे जी? राम, 62,000 की? हाँ, 62,000 के लिए। एक लेंथ देखो सर, कद बहुत है, कद है, कार्ड है। यही ऐसी गाय है अभी, ऐसी गाय अगर तेजी में थोड़ी होती यही 90,000 की गाय। 90-80 कैसी होती? 85,000 और 90,000 की गाय। कैसी होती तो? 90 की तेजी में थोड़ा, अभी लॉकडाउन करके है ना, लॉकडाउन के लिए है अभी। जैसी किसी को भी दिखा लीजिए। हाथ से चुवाई है या मशीन से? नहीं, हाथ से। हाथ से? हाँ जी। गाय की लेंथ देखो, लंबाई और छह दांत है। अच्छा, दूसरे बेहतर, दूसरी ब्याज की? हाँ, दूसरे ब्याज की। चलो, तो जैसी भाई प्योर में है ये? ए प्योर में है जी। तो प्योर की तो बनावट थोड़ी सी कर्व वाली होती है? नहीं, अलग अलग होती है ये सर। हर एक जैसी नहीं, दूध ज़्यादा होती है, कोई नीचे से ज़्यादा होती है। ये प्योर में बोल सकते हैं इसको। तो हल्दर ये किस दाम की है ये? ये ले 45,000 दीजिए। 45? हाँ जी। तो कितना दूध देगी? 15 किलो दे दूँ पूरे दिन का दूध जी। 15-16 7-8 किलो? हाँ जी, एक टाइम 8-9 किलो दे जाओ राम ना। तो कितने दिन देगी दूध ये? हाँ जी, कितने दिन दूध देगी ये एक ब्याह में? एक ब्याह में पूरे 7-8 महीना। 7-8 महीना? हाँ, लोग कहते हैं देती नहीं है। नहीं, नहीं नहीं देती है जी, 8 महीना दूध देती है पूरी। देती है? हाँ जी, ब्याहने से 20-25 दिन पहले छोड़ देनी चाहिए, 1 महीना पहले छोड़। उस टाइम कितना आ जाएगा दूध छोड़ेंगे तो? इसको थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ 3-4 लीटर कम हो जाएगा। तो हवलदार जी, जो जहाँ से लाए तो इसकी माँ बाप को कुछ है रिकॉर्ड? हाँ जी, बच्ची है उन्होंने को रखी हुई घर दी जी एक। अच्छा जी, हाँ जी, वो भी सूफी बच्ची है। किसान के यहाँ से? हाँ, किसान से लेके आए। वो भी सूई हुई? हाँ, वो भी सूफी बच्ची है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो दाम क्या? 45,000? हाँ, 45,000। तो ये गाभिन है? हाँ, ये गाभिन है। कितना समय मांग रही है? ये अभी ले जाएगी 15 रोज ले जाएगी। 15 रोज ले जाएगी? 15 रोज ले जाएगी। तो ये प्योर में? हाँ जी। अच्छा, चेफा प्योर है जी। प्योर? हाँ, ये 2 दांदा है ये बच्ची। पहले सुए सुए? पहले सुए। हाँ, सवेरे तो दांत सवेरे बच्चा देता था। खड़े तो दुगे ने भी इक्को दांद तोड़े हैं, दो भी नहीं तोड़े पूरे। उधर कर दे इधर में। हाँ देखो जी, अभी एक ही दांत तोड़ा है। जानी है जमा ही आ तोड़े ना, देखो एक दांद तोड़ा होया। अभी एक ही दांत तोड़ा है, दूसरा भी नहीं तोड़ा। अच्छा, अभी 2 दांत ही कही जाएगी? 2 दांत बोल। पहली बार भी आई है? कितना दूध देगी ये?
तो क्या दाम की है ये? 62,000 के लिए। 62,000 की है। तो हवलदार जी प्योर में है ये? हाँ अच्छा फाजी प्योर में है। हाँ जी हाँ। अच्छा तो ऑर्डर इसका भी वैसे ही है बिल्कुल। हाँ जी हाँ। तो सवेरे सवेरे जब ब्याती है तो ऐसे रहता है। हाँ जी हाँ। सुबह टाइम लेगा। हाँ जी हूँ चोइया हुई 7-8 बजे दें जी। सुबह बच्चा दिया है ना इसने, सुबह बच्चा दिया है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। ये लॉकडाउन जो चल रहा है, हाँ जी, इसमें क्या प्रभाव पड़ा है व्यापार में? बहुत फर्क पड़ा जी इसमें, ये बहुत ज़्यादा पड़ा है। गाय का दाम भी कम हुआ है और जो है ना अपने आने जाने का जो था 1-2-3 महीना बंद रहा है उसके लिए बहुत लॉस हुआ है व्यापारियों को, खास करके हम लोगों को। तो आपका फिर इस बीच में कहीं काम नहीं चला? ना जी नहीं, ऐसे ऑनलाइन हमने भेजी है गाय ऐसे दिखा के। हाँ जी, कोई 2 गाय कोई 3 गाय 4 गाय ऐसे बेचते रहे हैं। लॉकडाउन में भी कम से कम भी 200 गाय चली गई हमारी। ऑनलाइन वालों का थोड़ा झगड़ा ही रहता, मैंने देखा। हाँ, होता रहता है। रोजाना कोई ना कोई शिकायत रहती है, वो ऐसा हो गया। जो नए बंदे ने जी वो कर देने फिर हूँ, जो खरीदार नहीं खरीदार नहीं हूँ, 10 देता अगले कहते ने थोड़ा 40-50 हज़ार मिल जाऊ, जब लैके देंगे 70-70 हज़ार की होंगी गाय, फिर फर्क तो पैंता भी लड़ाई होंगी जी अगले की। नहीं तो वो हूँ कोई गाय का 20,000 कम हो गई, 30,000 बड़ी गाय का फर्क पिया जी, जी 1.5 लाख वाली थी, 1-1.5 लाख वाली, जो दरम्याना माल हो तो कोई फर्क नहीं पिया है। जो बड़ी वो उन्ने दी हुआ, जो बड़ी गाय है उसका थोड़ा पड़ा है। हाँ। जो दरमियानी गाय उसका कोई नहीं पड़ा दाम, कोई बोल रहा 20,000 कम होगी, कोई बोल रहा 30,000 कम होगी, कोई कम नहीं हुआ है, थोड़ा फर्क पड़ा है दरमियानी गाय का पड़ा है। हमने ये देखा जो किसान लोग हैं ना, जो खरीददार हैं, हाँ जी हाँ, उनमें भी कुछ किसान हैं कुछ व्यापारी। हाँ व्यापारी हैं, तो वो किसी ना किसी बात पर उठा के रखते हैं। हाँ जी, किसान तो चलो ले गया ठीक है, उसको अनुभव होता है ज़्यादा। हाँ जी, वो अपने हिसाब से 1-2 दिन ले जाते हैं। तो वो व्यापारी जो है ना वो उलझाते हैं बात को, और वो अगर किसान उसके थ्रू नहीं लेके गया ना, सीधे ले गया तो उसको भी पट्टी बढ़ाते हैं वो। ऐसा है जी, करते हैं अगला क्या सर, वो बोल देते हैं 40-45 हज़ार की मिल जाएगी, लेकिन बुला लेते हैं उनके बाद वही गाय 60,000-65,000 की हो जाती है। कल मैंने देखा कोई एक ले गया गाय, तो नरवाने साइड का था वो, तो साहिबाल ले ली उसने। अब वो जो पहले पूरा ट्रक ले गया था, तो एक गाय जो ले गया था वो उसके पास में बैठा हुआ था कहीं, वो उसको बता रहा था कि ऐसे को ऐसे को, वो हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, हमें धोखा हुआ है, दूध नहीं देती है। 4 महीने में उसने शिकायत नहीं की, 4 महीने बाद शिकायत नजर आने लगी। तो ये खुराक नहीं पाते जी, कहीं बहुत बिना मतलब की बातें हैं। ऑनलाइन में खरीदो मत खरीदो, हाँ जी ना लेके आओ। उन्होंने बछिया लग रही है अभी, कितने दांत है? ए तो 4 दांत है। 4 दांत? हाँ 4 दांत। पहली ब्याह था दूसरी है? दूसरी ब्याह था ए दूसरी ब्याह था। 4 दांत है दूसरी ब्याह? हाँ दूसरी। कितना दूध देने वाली है? ए दूध वही देगा जी 25 के आसपास। प्योर में है? नहीं प्योर में है थोड़ी। तो कितना दाम है इसका? ए 52,000 के लिए है। 52,000? तो ये जो आप भेज रहे हो ऑनलाइन भेज रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन नहीं भेजिए, ये व्यापारी को भेजते हैं हमारे पास। व्यापारी आया था? नहीं, उसको वो ऐसे ही लेके जाता था, कम से कम 30 साल हो गए हमारे पास आते हुए। 30 साल से आपके पास है, तो आपने उनको ये दिखाई आपने? नहीं, विश्वास इतना है उसको, पता है 30 साल हो गए, 30 साल हो गए ना विश्वास बन गया। वो ले जाता है हर महीने 5-6 गाड़ी हो जाती है। 5-6 गाड़ी? ये ब्याने वाली है? हाँ ये ले जाएगी 15 दिन ले जाएगी। 15 दिन ले जाएगी? 25 लीटर दूध देगी? हाँ 25 देना चाहिए इसको। ये भी पूरी हाइट में है? हाँ यहाँ पूरी हाइट में देखती है। तो कौन सी ब्याद की है? ए दूसरी ब्याद की है। कितने दांत है इसके? ए 4 दांत है। 4 दांत? 4 दांत। तो क्या दाम है? ए ली है जी 57,000 की। कितने की? 57। 57? हाँ जी। तो दूध कितना देगी? ए दूध देगी 30 लीटर जी। 30 लीटर? हाँ जी हाँ 30 लीटर। कितना समय मांग रही है? ए ले जाएगी 5-6 रोज ले जाएगी। 5-6 इस हफ्ते में भी आ जाएगी? चलो 1 हफ्ता लगा के मान लीजिए, 1 हफ्ते के बीच बीच में हो जाएगी। तो जो आपके पक्के व्यापारी हैं, और भी लोग गाय मांगते हैं? बहुत हैं जी। तो जो मांगते हैं फिर ऑनलाइन वाला सिस्टम कैसे चलाते हो? नहीं ऑनलाइन जो पक्के व्यापारी हैं उनको तो ऑनलाइन नहीं भेजते, उसको तो बोल देते हैं हमको मालूम है वो कैसी गाय लेते हैं, क्योंकि 25-25-30 साल हो गए। कभी झगड़ा होता नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं होता है? नहीं कभी नहीं होता है, 30 साल हो गए। संतुष्ट रहते हैं? हाँ जी हाँ। जो नए हमसे कैसे झेलते हो? जो नए हैं उनको थोड़ा हम बोल देते हैं तुम आ जाओ तो अच्छा है, ऑनलाइन भेजेंगे देखो हमारी कल तुम नहीं संभाल करोगे गारंटी नहीं है, तो देख सामने दिखते जो वो अच्छा है, वो कैमरे में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। एक बात और, हाँ जी, आपने 8 गाय जो है भेज दी मान, हाँ वो 1-2 दिन का सफ़र करके पहुँचेंगी, हाँ तो 2 दिन के सफ़र में उनकी हालत बिगड़ जाती है जी। तो जो आपने वीडियो में दिखाई होती है वैसी वो रहती नहीं सर हाल, तो वो इतने में वो व्यापारी चलाने लगता है? वो पहले वाला टाइम नहीं रहा सर, अब तो
रोड ऐसे बन गए हैं, गाड़ी भी ऐसी बन गई है, तो उस फर्क नहीं पड़ता कहीं को। अगर आप अच्छे खाना पीना अच्छा रखोगे, दवाई अच्छी रखोगे, हमारे पास जो भी लोग हैं वो आधे से ज़्यादा डॉक्टर बन गए हैं, उनको पता चल जाता है गाय कैसी है कैसी है, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये बीमार पड़ने वाली तो नहीं है, वो देख लेते हैं डॉक्टर हैं पूरे। और हमने मोबाइल नंबर मोबाइल लेके दिए हुए हैं, मोबाइल करते रहते हैं हमको, अगर कोई बीमार हो जाती है ये ऐसा है वैसा है, अगर उनको नहीं मालूम तो हम बोल देते हैं भी इसको ये दे दो इसको बोल दे दो। अब तो रोड अच्छे बन गए सर, पता नहीं चलता गाय को कैसे जाना, पहले रोड नहीं थे, अब तो 15 साल से रोड बहुत बढ़िया बन गए हैं, पता नहीं चलता। ये तो बहुत शांत स्वभाव की बहुत है। अभी दो दांत है ये मछली, दो दांत है। हाँ दो दांत है, दांत देखने हम दिखा सकते हैं, दिखाएगी नहीं, ये ज़्यादा भागने वाली है। तो पहली बार में आ रही है। हाँ ये पहली बार में आ रही है। तो कितना दूध देगी ये? ये दूध देगी जी 25-26 आस पास। तो फार्म की है? हाँ? फार्म की है ये? एक किसान से घर से लिया, किसान के घर से लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो मशीन की चुआई लग रही है? नहीं नहीं मशीन की नहीं है सर, हाथ से जोते हैं। हाँ से, हाँ जी। तो पहली तो गबन है ना, पहली बार है ना? हाँ पहली बार है। हाँ पहली बार है इसलिए ऐसे लग रहा है। तो कितना समय मांग रही है? इसके 15 तारीख को दिन पूरे हो रहे हैं जी। अच्छा, ये जो 15 तारीख आने वाली है उनको दिन पूरे हो रहे हैं 15। हाँ तो क्या दाम है इसका? 57,000 की लीजिए, 57 की। अच्छा 57। हाँ महंगी तो नहीं है? नहीं महंगी नहीं है, रंग देख लीजिए कैसी है, बछड़ी बहुत बढ़िया है, देखने भी बहुत बढ़िया है। हाँ प्योर में है? नहीं थोड़ा क्रॉस है। क्रॉस हॉलदार जी बात सुनो, तो हमने देखा कि जैसे आपने बताया कि ये गाय जो है साइलेंस पे रहती है, हाँ जी, तो जब इसको आप बाहर भेजेंगे वहाँ साइलेंस नहीं होगा ना जी, तो ये तो चारा खाएगी नहीं। हाँ जी, पे वही डंगरा ना बुरा हाल हो जाता है, जो वहाँ जा कर के नहीं कामयाब रहते यही एक कारण होगा। हाँ जी यही है जी, यही एक कारण था सर, उनको नहीं मिलेगा साइलेंस नहीं मिलेगा, वो एक बिल्कुल सूख जाएगी और दूर भी नहीं निकालेगी। ये जो पशु हमने आपको दिखाए हैं जे जस्सी डेयरी खन्ना जिला लुधियाना पंजाब, हौलदार जी हैं, नीलू भाई हैं, डेयरी का संचालन करते हैं, पुश्तैनी काम है, जहाँ गुजरात के लिए इन्होंने भेजी है, वह व्यापारी 25-30 साल से इनसे जुड़े हुए हैं, आते नहीं हैं, गाय ये ऐसे ही भेजते हैं, कभी कोई विवाद नहीं हुआ, संतुष्ट रहते हैं, वफादारी है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। हमारी शुभकामनाएँ हैं इनके साथ कि ऐसे ही व्यापारी इनको मिलें, इनका आपस में विश्वास बना रहे, सौदा फले। प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये कोरोना की महामारी को दूर करो, बहुत लोग दुखी हैं, सबका जीवन खुशहाल कर दो, मंगलमय कर दो। धन्यवाद। जय हिंद।